breaking news. अरे यार, ठीक है। हाँ जी सर, हम जाना चाहेंगे सर, आपका बरेली तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले बरेली तक सफर बहुत ही लंबा रहा है जी सर। अगर बहुत जल्दी उठ करके फ्लाइट लेनी थी और फिर यहाँ पे 6 घंटे लग गए आने के लिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे दोस्त जो हैं रॉबर्ट, उनका ये प्रयास था कि मैं यहाँ बरेली आऊँ। और हर एक्टर चाहता है कि कहीं ना कहीं अपने जर्नी में वो जितने भी अपने फैन से मिल सकता है और उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, तो उनका प्रयास ये रहता है। तो खुशी की बात है कि बरेली में मैं आया हूँ और आज जब फंक्शन होगा तो मैं सभी लोगों से मिलूँगा मैं, और ये बहुत ही सही समय है मेरे लिए आने के लिए। रॉबर्ट ने सही समय पर मेरे को बुलाया हुआ है क्योंकि मेरी कुछ फिल्में बन रही हैं अभी, और ये फिल्में जैसे तैयार होकर के रिलीज़ होती हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझो थोड़ा सा जागृत कर रहा हूँ सब। तो सर, क्या आप पहले बरेली आए हैं? नहीं, मैं बरेली कभी नहीं आया हूँ। यूपी में कहीं जगह गया हूँ बट बरेली आज तक, कमाल की बात है कि 29 साल के करियर में किसी ने कभी बरेली नहीं बुलाया। रॉबर्ट है जिन्होंने बुलाया है, तो शुक्रगुजार हूँ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरीके से मेरा ख्याल से ऐसे लोग जो ऐसे शहरों में हैं कि उनका जो कनेक्शन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, वो हमारे जैसे आर्टिस्टों को यहाँ पे बुलाए, क्योंकि हमको भी एक कंफर्टेबल फीलिंग होती है कि हमारे इंडस्ट्री का कोई आदमी यहाँ पे बुला रहा है। राहुल जी, जैसे कि हमारा चैनल जो है दैनिक सुजन न्यूज़ चैनल, ये परिवर्तन की बात करता है। अब अगर हम परिवर्तन की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पिछले कई दशकों से काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, तो आप इस बदलाव को किस प्रकार से देखते हैं? फिल्म इंडस्ट्री का बदलाव तो क्योंकि सोसाइटी में बदलाव आया है। जी जी, फिल्म इंडस्ट्री ने बदलाव नहीं किया है, पूरे सोसाइटी में बदलाव आया है। और देखिए, ये तो ये डिबेट्स कई बार चैनलों में हो चुके हैं, सोशल मीडिया में हो चुका है। जब से ये हाथ में मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, मोबाइल फ़ोन ने पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में सब लोगों की विचारधारा ही बदल गई है। और सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम लोग जो 90s में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे को भी अपने विचारधारा थोड़े से बदलने पड़े, क्योंकि आज जो कंपटीशन है या जो कुछ भी कंटेंट बनाया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है आजकल, वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को देखते हुए किया जा रहा है। किसने सोचा था 90s में कि फिल्म्स और टेलीविज़न के अलावा कुछ होने वाला है? अब तो सबसे आगे जा रहा है वेब सीरीज़, क्योंकि सब लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है वो मोबाइल पर अपना एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। तो फिल्में भी जब बनाई जाती हैं तो सबसे पहले कौन से OTT प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है, फिर वेब सीरीज़ बनाए जा रहे हैं। तो टेलीविज़न का माध्यम है इम्पोर्टेंट, लेकिन आने वाले दिन में ये जो कंटेंट वेब सीरीज़ में हो रहा है वगैरह, ये सब टेक ओवर करने वाला है। अच्छा तो राहुल जी, आपकी अब कैरियर की हम बात करते हैं। आपने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी दी है, और अचानक आपका बॉलीवुड से ऐसे अलग हो जाना, इस साइड से कर लो सामने से, वो देखिए, जब मैं फिल्में कर रहा था तो एक टाइम पे ही मैंने इतनी सारी फिल्में कर ली थी कि फिल्म जब मैं करने लगा तो फिर पर्सनल लाइफ भी बनाना चाह रहा था। तो मैंने 2000 में शादी कर ली, 2004-2005 में हमारी मिसेस कह रही थी कि थोड़ा विलेज जा कर के रहना है। तो उस टाइम पे जब ज़्यादा तो घर गृहस्थी की बात चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो बिग बॉस का सीज़न मैंने, जो पहला सीज़न था वो 2005 के एंड 2006 में रिज़ल्ट निकला था। तो उस टाइम पे जब मैंने किया था तो ऑस्ट्रेलिया का मेरे को एक परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा मिल गया था, तो मैं अपने मिसेस के साथ वहाँ चला गया था। तो प्रयास ये था कि मैं वहाँ रह कर के भी वापस इंडिया वापस आता रहूँगा, खुद वहाँ पर काम करूँगा। लेकिन इंडस्ट्री इतनी चेंज हो गई थी, क्योंकि पूरा काम करने का तरीका अलग हो गया था। कॉर्पोरेट्स आ गए थे जी, बिल्कुल सही, कास्टिंग एजेंसीज आ गए थे, सब लोग आ गए थे।
तो मेरे को कुल मात्र 120 दिन मिलते थे साल में यहाँ रहने के लिए। 120 दिन हाँ। तो उस टाइम पे काम करना, इमिडिएटली आकर के बोलना कि मैं यहाँ पे हूँ, एक फिल्म कर लेते, दो फिल्म करना, वो कास्टिंग हो नहीं पाती थी। तकरीबन 9 साल के लिए मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया वगैरह। अब दुर्भाग्यपूर्ण बोलो या किस्मत बोलो या कुछ भी है, 2015 में मेरा डिवोर्स हो गया और मैं वापस इंडिया आ गया। हालांकि मेरा ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंसी था, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आ गया यहाँ पे, इंडस्ट्री से वापस बात करने लगा। और आज फिलहाल 5 फिल्में फ्लोर पे हैं जो रेडी हो रही हैं। फिर दो वेब सीरीज भी करूँ, दो वेब सीरीज में करनी है। सर, अब आपके मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्षण क्या था जब फिल्म आशिकी हिट हो रही थी और आपको ये पता चला कि मेरी फिल्म सुपर हिट जा रही है, वो पल के बारे में आप हमें बताइए, कुमार सानू की आवाज़ और आपकी वो अदाकारी। देखिए, जब फिल्म की थी उस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि जब फिल्म कर रहा था तो फिल्म कंप्लीटेड होते हुए तो लोग सोच रहे थे कि चलो ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। मैं उन लोगों के हीरोज़ की तरह तो दिखता भी नहीं था, तो काफ़ी लोग कहते थे कि ये वो टाइप का हीरो नहीं दिखता है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो हिट हो गया था कि हमारे गाने बहुत हिट थे, लेकिन फिर भी एक नया टाइप का था कि म्यूज़िक चल रहा है और म्यूज़िक चल रहा है और कहानी जो है लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। लेकिन पहले शो जो 12 बजे का शो मुंबई के मेट्रो सिनेमा में मैं देख के गया था और रिएक्शन देखा, तब मुझे आभास हो गया था कि मैं अराइव हो गया हूँ, मतलब फिल्म स्टार बन गया हूँ, जो हर एक न्यू कमर की ख्वाहिश होती है कि उसकी पहली पिक्चर जो होती है बहुत बड़ी हिट जाए। जी, जैसे कि बशीर खान ने कहा था, मैं आपको नेक मंजिल तक पहुँचाता हूँ, तो आप जहाँ तक है नेक मंजिल आपको मिल गई। हाँ, वो मिल गया था। फिर उसके बाद ताज्जुब की बात है कि पिक्चर हिट जा रही है, सिनेमाज में चल रही है। आजकल तो फिल्में उतने दिन तो चलते नहीं, हमारे तो 6-6, 8-8 महीने चल रहे थे, लेकिन तब तक ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आया नहीं था मुझे साइड पर, क्योंकि वो सोच रहे थे कि लंबे बाल वाला हीरो ऐसे टाइप का हम लोग कहाँ डालें। लेकिन वो 6 महीने के बाद 11 दिन में मैंने 49 फिल्में साइन की, समझा कि सब आ गए, साइन करके मैं काम करना शुरू कर दिया। तो पीछे देखने का वक्त नहीं मिला। सर, हम जानना चाहेंगे, थिन लाइन से आपने दोबारा बॉलीवुड में एंट्री करी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इतने लंबे समय बाद आपको पर्दे पर आकर कैसा लगा? सर, काफ़ी गैप हो गया था ना। देखिए, ख्वाहिश तो मेरी थी आने के लिए, मैं बहुत खुशी हुई और ये बहुत अच्छा लगा कि